अगली दर्शक गायत्री है, असनसोल से हमारे साथ जुड़ गई है। नमस्कार गायत्री जी, पूछिए। आपने कुछ म्यूचुअल फंड्स के बारे में जिक्र किया था, फिलहाल आप किस में निवेश कर रही हैं? मुझे पूछना है कि मतलब बच्चों के लिए मुझे लेना है एक प्लान। मेरी एक लड़की है वो 3 में पढ़ रही है और एक लड़का है वो 1 में पढ़ रहा है। ओके, आपने कुछ पॉलिसीज भी बताई थी मैम, आपने लिखा था LIC की कोई पॉलिसी है, बजाज लाइफ की पॉलिसीज है। इंश्योरेंस के अलावा क्या कोई म्यूचुअल फंड में आप करती हैं फिलहाल निवेश? नहीं। चलिए, और कितने समय के लिए करेंगे? जैसे आप बता रही हैं बच्चों के लिए करेंगे, कितने साल के लिए कर सकती है निवेश? मेरा लड़की देखिए 12 करेगी तो मतलब 10-11 साल बाद होना चाहिए मुझे पैसा जी। और एक मतलब मेरा लड़का 12 जब बात करेगा उसके बाद में मेरा होना चाहिए। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आप लॉन्ग टर्म ही सोच रहे हैं म्यूचुअल फंड्स के, क्योंकि जहां तक बात है इक्विटी में अच्छा रिटर्न आपको देखने को मिल सकता है। पलवन साहब, जैसे इन्होंने बोला कि बच्चों के लिए निवेश करना है, कुछ प्लान्स की भी ये बात कर रही थी, लेकिन अगर हम रिटर्न्स की बात करें, अगर किसी ट्रेडिशनल पॉलिसी में निवेश करती हैं नेट रिटर्न काफी कम मिलेंगे, और जाहिर है कि इक्विटी से जब कंपेयर किया जाए तो डेट में उस तरह के रिटर्न्स देखने को नहीं मिलते हैं, इनके लिए क्या कुछ आप सलाह देंगे? अगर शॉर्ट टर्म के लिए कुछ आप बता सकें, या फिर लॉन्ग टर्म में कौन से फंड्स? आपने वैसे UTI अपॉर्चुनिटीज थोड़ी देर पहले जिक्र किया था, और ICICI ब्लू चिप, इसके अलावा भी कुछ और फंड्स हैं जो इन्हें पोर्टफोलियो में शामिल करने चाहिए? देखिए पल्लवी, गायत्री जी कुछ इंश्योरेंस प्लान वगैरह खरीदने का सोच रही है इन्वेस्टमेंट के लिए, तो इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस दोनों विरोधाभासी शब्द है, तो बेसिक एक प्रिंसिपल है कि आपको आपका जो इन्वेस्टमेंट है और इंश्योरेंस है वो दोनों मिक्स नहीं करना चाहिए, आपको सेग्रीगेट करना चाहिए। आपका जो इंश्योरेंस रिक्वायरमेंट है उसके लिए आपको ऑनलाइन टर्म प्लान खरीदना चाहिए, और इन्वेस्टमेंट के लिए आपको डेट और इक्विटी, अगर आपका लंबे समय का नजरिया है, और अगर कम समय का नजरिया है तो आप लिक्विड फंड वगैरह में डाल सकती है। जहां तक आपका प्रश्न कि उनको ये 2 फंड के अलावा और कौन से फंड में सजेस्ट इन्वेस्ट कर सकती है, अगर उनका हॉरिजन 10 साल से कम का है टाइम हॉरिजन, तो ICICI प्रूडेंशियल का बैलेंस फंड है, या HDFC का भी जो बैलेंस फंड है उसमें पैसा डाल सकती है। उसमें क्या होता है, ऑटो बैलेंसिंग हो जाता है, जो डेट जब इक्विटी बढ़ जाती है तो वो फंड मैनेजर इक्विटी में से पैसा डेट में डाल और उसका उल्टा कर देता है, तो आपको जो डेट और इक्विटी का जो रेशियो अपने आप मेंटेन करने की जरूरत नहीं, वो फंड मैनेजर आपके लिए मेंटेन करता है। जनरली 12% के आसपास आपको रिटर्न छूटने की गुंजाइश है 10 साल का अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो, और अगर 10 साल से अगर आपका लंबा पीरियड है तो आप जैसे ये 2 फंड बताए, इसके लिए अलावा SBI का इमर्जिंग बिजनेस फंड है उसमें भी डाल सकती है, रिलायंस का इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड है उसमें भी पैसा डाल सकती है, और जो इन्वेस्टमेंट करना अगर आपका कम इन्वेस्टमेंट है 2 ही फंड में डालिए, और अगर पैसा ज्यादा करना चाहती है तो आप 4 फंड में वो जो पैसा है वो इक्वली डिवाइड कर सकती है। परंतु एक बात ध्यान रखिए, इंश्योरेंस अलग चीज है और इन्वेस्टमेंट अलग चीज है, तो कोई भी चाइल्ड प्लान लिखा है वो पेम्पलेट में तो उसका जरूरी नहीं कि वो आपके चाइल्ड के इंटरेस्ट के लिए ही होगा, आप उनकी जो फंड रिक्वायरमेंट है, कॉर्पस रिक्वायरमेंट है, उसके लिए आप इन्वेस्टमेंट ही करिए, और इंश्योरेंस उसको जो कॉर्पस रिक्वायरमेंट है उसको आप टर्म इंश्योरेंस से कवर कर दीजिए। बहुत सारे ऑप्शंस आपको एक्सपर्ट ने बता दिए गायत्री, आप देख भी सकती हैं। इक्विटी फंड्स के लिए अलग विकल्प आपको बताए गए हैं, साथ ही अगर आप छोटी अवधि के लिए भी कुछ अगर प्लानिंग कर रही हैं, कुछ इमीडिएट 1 साल या 2 साल के अंदर, तो आप MIPs इनकम फंड्स हैं उनके ऑप्शंस चूज कर सकती हैं। जहां तक लंबी अवधि का सवाल है, बैलेंस फंड जिसमें रिस्क थोड़ा कम रहेगा, ICICI बैलेंस, HDFC बैलेंस जैसे कुछ फंड्स आपको बताए हैं बलवंत जी ने, और साथ ही इक्विटी फंड्स जो अगर आपको 10 साल या उससे ज्यादा समय के लिए निवेश करना है तो वो भी आपकी स्क्रीन पर है। IDFC प्रीमियर इक्विटी, SBI इमर्जिंग बिजनेस, UTI अपॉर्चुनिटीज, ICICI ब्लू चिप, इन्हीं सब ने करीब करीब 25-30% तक का रिटर्न एनुअलाइज बेसिस पर दिया है। लेकिन याद रखें कि म्यूचुअल फंड्स में ये हिस्टोरिकल रिटर्न्स हैं, जरूरी नहीं कि आगे भी इस तरह के रिटर्न्स मिलेंगे, थोड़ा अगर आप जोखिम ले सकते हैं तो ही आपको आगे बढ़ना होगा। इंश्योरेंस की जहां तक बात है तो आप इन्वेस्टमेंट के पर्पज से इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं खरीदे, ये एक्सपर्ट की राय है। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन अपने दर्शकों को बता दें कैसे अपने सवाल आप भेज सकती हैं। बहुत आसान तरीका है, अपने मोबाइल से भी आप SMS कर सकती हैं, शी हमारा कोड है, शी लिखकर अपना नाम अपने सवाल के साथ 57575 पर भेजना होगा। ईमेल आईडी भी नोट कर सकती हैं, shi@znetwork.com पर आपको अपने सवाल भेजने होंगे। याद रहे मेल से सवाल भेज रही हैं, फोन नंबर जरूर उसमें मेंशन करिएगा, सवाल का जवाब फोन के जरिए ही मिलेगा आपको, शो के दौरान मेल के जरिए नहीं मिलेगा। जल्द लौटते हैं कुछ और सवालों के साथ।